अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। आज ये जो डिज़ाइन मेरे पास सिलने के लिए आया है, ये ज़ैनब चुटानी का ड्रेस है जो मेरे पास आया है। बहुत खूबसूरत सा ये इसकी पिक्चर है। इसके साथ जो है लॉन्ग शर्ट बनी हुई है, बट मुझे जो स्टिच होने के लिए आई है, जो मैंने इसको डिज़ाइन करके देना है, वो मेरे पास आई है ये शॉर्ट शर्ट। ये इसी ड्रेस का दूसरा डिज़ाइन है, बस ये इसको अलग तरीके से स्टिच किया हुआ है। ये देखें, मैंने इसको इस तरह शॉर्ट शर्ट में स्टिच करना है। वैसे ये जो है ब्रांड की तरफ से ये लॉन्गेस्ट शर्ट है, बहुत सारे डिज़ाइन में आया है। तो देखिए अब हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले इसके अंदर जो है फ्रंट है, बहुत खूबसूरत सा चिकनकारी फैब्रिक में, बट ये मुझे नहीं पता है उल्टा सीधा कैसा है। ये उल्टा है, ये सीधा है। ये बहुत खूबसूरत चिकनकारी फैब्रिक है। ये इसका जो है फ्रंट है, ये इसके साथ जो है ट्राउज़र है खूबसूरत सा, ये इसके साथ जो है स्लीव्स हैं इसकी, ये भी चिकनकारी पर है मगर ये न्यू डिज़ाइन के साथ है, इसमें छोटे छोटे सी बने हुए। ये सीधा साइड है, ये इसकी बैक है। ओके, इसके साथ जो ये बॉर्डर दिए गए हैं, ये इसके दामन का बॉर्डर है, इसके स्लीव्स का बॉर्डर है, और इसके साथ जो है ये खूबसूरत सा एक बेहतरीन किस्म का दुपट्टा है। इस पूरे सूट के अंदर इसका दुपट्टा ही खूबसूरत है। इसके साथ दुपट्टा है, और इसके साथ जो है अब हमें इसको इसका ऐसा स्टिच करना है कि आप लोग देख सकते हैं। ये जो है अब इसके अंदर यहाँ लेस लगी हुई है, इसके चॉक्स पे लेस लगी हुई है, और इसकी पैंट में लेस लगी हुई है। हिजार टाइप जो है ये पैंट है, इसके साथ ये वाली लेस हमने अब जो इसके साथ आई नहीं थी, हमने खुद ही ख़रीदी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल सेम टू सेम हमने इसकी तरह इसका डिज़ाइन वाली ले लिया, जो हमने बॉर्डर के ऊपर और चॉक्स के ऊपर लगानी है, और इसकी ऐसी प्लेकेट बनानी है, जेंट्स प्लेकेट जो होती है इसके ऊपर। बट दूसरा डिज़ाइन है, ये हम नहीं बना रहे, हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, बाकी सब एज इट इज़ होगा, सब कुछ सेम टू सेम। तो चले हम इसको जल्दी जल्दी हम लोग स्टिच करते हैं, उसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल रेडी हो चुका है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ज़ैनब चुटानी का जो ड्रेस है, बहुत खूबसूरत चिकनकारी लग्जरी लॉन कलेक्शन है ये इसकी, बहुत खूबसूरत सी चिकनकारी आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने पूरी शर्ट रेडी कर ली है, जैसे मेरे पास जो है रेफरेंस पिक्चर आई थी जो इस डिज़ाइन की थी लॉन्ग और शॉर्ट में, शॉर्ट शर्ट में ये इसकी नेकलाइन आई है बहुत खूबसूरत सी, जो मैंने शेरवानी कॉलर के साथ रेडी करी है। ये पहनने के बाद इसकी बहुत अच्छी लुक आएगी, जैसे सेम टू सेम ऐसा शो रहा है पिक्चर के अंदर। ये नेकलाइन बिल्कुल सेम ऐसी ही है। ये इसके स्लीव्स हैं, और ये इसके दामन का बॉर्डर है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इधर लेस लगी हुई थी साइडों में, जो सेम टू सेम लेस थी। अब जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर जो बॉर्डर था उसके साथ हमने जीपी की लेस जो है ज्वाइन करी है। ये सिर्फ दामन पे थी, स्लीव्स पे नहीं थी, बट मैंने इधर जो है स्लीव्स में भी लगाई है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है। सेम एक जैसा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और ये कटवर्क मैंने करवाया, जो एक्स्ट्रा ऑर्गेंजा होती है वो सब आप लोग कट करवाते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी लुक आ जाती है इसकी। अब जो मैं इसके आपको दामन दिखाता हूँ, ये इसका दामन है, दामन के ऊपर जैसे मैंने आपको दिखाया था लेस लगी हुई थी, वैसे मैंने ज्वाइनर लेस लगाई है, ज्वाइनर लेस नहीं लगाई है, मैंने एक लेस लगाई है, उससे मैंने बॉर्डर को ज्वाइन किया, जिससे बहुत एक अच्छी लुक आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत फिनिश सी, बहुत खूबसूरत सी इसकी चॉक्स हैं, चॉक्स के ऊपर जो है मैंने ये लेस लगाई है बारीक सी, जो मैंने हर जगह यूज़ करी है, सेम टू सेम पिक्चर में जैसे शो हो रही है वही हमने बहुत मुश्किल से ढूंढ डांट के मिली, और लेकिन बहुत खूबसूरत सी लेस मिली है। इस टाइप की लेसेस अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके कपड़ों में चार चांद लग जाएंगे। ये इसके फ्रंट बैक दामन और इसके शर्ट का ये हो गया। अब जो है मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाता हूँ, तो इस शर्ट के साथ जो था ट्राउज़र वो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पिक्चर के अंदर कुछ इस टाइप का था, थोड़ी खुली खुली पैंट टाइप, हिजार टाइप जो था, और इसके नीचे भी एक लेस यूज़ हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भी वाला ट्राउज़र ऐसे ही स्टिच किया है। ये इसका पाइज है, जिसके नीचे मैंने लेस लगाई है, वही खूबसूरत सी जैसी पिक्चर के अंदर है, पिक्चर के अंदर शो थी वैसी मैंने इसके बिल्कुल नीचे बॉटम में लेस लगाई है, बहुत खूबसूरत सी। ये भी चिकन की लेस है, आप लोग देख सकते हैं, सेम जो मैंने शर्ट पे लगाई है वही मैंने इस पर लगाई है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट में मैंने इसका ट्राउज़र बनाया है, ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और पहन के भी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, जैसे मॉडल ने पहना हुआ है, इसकी फुल लुक वैसे ही आएगी। अब जो है मैं आपको इसके साथ का दुपट्टा दिखाता हूँ, दुपट्टे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, दुपट्टे पे जो है कटवर्क नहीं हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था वो मैंने कटवर्क भी कर। तो ये है इसका दुपट्टा, बहुत खूबसूरत सा, जैसे मैंने आपको कहा था, ये पहनने के बाद और भी प्यार लग रहा है। ये मैंने पूरे इसके कटवर्क हैं जो नहीं बने हुए थे वो मैंने बनवाए हैं, ये बाहर से भी बन जाते हैं,
और ये जो है इसके पल्लू, पल्लू के ऊपर जो ये लेस नहीं थी, ये लेस मैं आपको दिखाना भूल गया था जब मैं आपको सूट दिखा रहा था, ये मैंने लेस लगाई है। इसके साथ फोल्डिंग पट्टी जो है अप्लाई करी है मैंने, वो बिल्कुल शर्ट के मैचिंग के कलर की करी है। और इसके साथ ही मैंने पतली चिकन की लेस यूज़ की है जो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद है आपको मेरी डिज़ाइनिंग जो पसंद आई होगी, इससे आपको इंस्पिरेशन मिली होगी अपने ईद के कपड़ों की। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करिएगा। कोई भी कंफ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जल्द अज़ जल्द। मैंने 1K करने अपने कम्प्लीट ईद से पहले पहले, तो इस मिशन में आप लोग मेरा साथ दें। तो चलें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।